हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ड्रामा मूवी को जिसे साल 2012 में रिलीज किया गया था और इसका नाम है अबाउट चेरी, जिसे डायरेक्ट किया था स्टीफन एलियट ने। और बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में जो है 4.8 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम मेन कैरेक्टर एंजेलिना को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होती है और बॉयफ्रेंड के साथ बहुत ही खुश होती है। वह हाई स्कूल में है और उसके घर की फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं होती और उसे लॉन्ड्री में काम करना पड़ता है। उसकी फैमिली में पेरेंट्स और एक सिस्टर होती है। उसके फादर घर में कभी भी ध्यान नहीं देते और उसकी मदर हमेशा शराब पीती रहती है। आज रात भी उसकी मदर बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गई है तो उसने उन्हें संभाल लिया। इसके बाद वह अपने फ्रेंड एंड्रियो के साथ एक पार्टी में आई जहाँ उसका बॉयफ्रेंड है जो कि एक बैंड में है। आज रात वह प्ले कर रहा है। उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड उसकी बहुत तारीफ करता है। फिर इसके बाद वह घर जाते हैं और सेक्स करते हैं। अगली सुबह उसका बॉयफ्रेंड उसे सजेस्ट करता है कि तुम्हें पिक्चर्स लेनी चाहिए। वो उसे न्यूड फोटो शूट सजेस्ट कर रहा था। एंजेलिना को ये बात सीरियस नहीं लगती। वो कहता है कब तक तुम लॉन्ड्री में काम करती रहोगी, इस फोटो शूट में $500 मिलेंगे। एंजेलिना इस बात पर गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। जब वह घर जाती है तो घर में खाना भी नहीं होता। वह और उसकी सिस्टर ऐसे ही सो जाते हैं। फिर हम देखते हैं एंजेलिना और एंड्रो स्कूल में लंच कर रहे होते हैं। एंजेलिना लंच लेकर नहीं आई होती है, इसलिए एंड्रो अपना लंच उसके साथ शेयर करता है क्योंकि एंड्रो एंजेलिना का काफ़ी अच्छा दोस्त था, उसका बहुत ख्याल रखता था। एंजेलिना को पैसों की बहुत ज़्यादा नीड होती है और वह फ़ोटोशूट के लिए तैयार हो जाती है। फिर वह फ़ोटोशूट लोकेशन पर पहुंचती है। वहां उसे फ़ोटोशूट करने वाला मिलता है जिसका नाम वान होता है। वान उसे कहता है मैं तुम्हें एक फ़ोटोशूट के $300 दूंगा। एंजेलिना कहती है मैं सिर्फ एक ही फ़ोटोशूट करने वाली हूँ और इसके मुझे $500 चाहिए। वान मान जाता है और उसके बाद फ़ोटोशूट स्टार्ट हो जाता है। एंजेलिना बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है और उसे सारे पैसे मिल जाते हैं। रात को एंड्रो से मिलती है, फिर दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं। एंजेलिना के पास जो भी पैसे होते हैं वह उन्हें लेकर एंड्रो के साथ शहर छोड़ने को कहती है। फिर एंजेलिना कहती है कोई गड़बड़ तो नहीं होगी। एंड्रो कहता है मेरे फादर भी 5 दिनों से घर पर नहीं आए, कोई भी कुछ भी नोटिस नहीं करेगा। ये दोनों अपनी लाइफ से तंग आ गए थे। अगले दिन एंजेलिना ऐसा जाहिर करती है कि वह स्कूल जा रही है। उसकी मॉम कहती है मैं तुम पर प्राउड हूँ, तुम सारी चीज़ें सही से कर रही हो। वह घर से निकलकर एंड्रो के साथ सैन फ्रांसिस्को आ जाती है। इन्होंने ऑनलाइन रेंट पर एक घर देखा था जिसका रेंट बहुत ही कम है। जब वह घर देखते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगता है, दोनों ही बहुत खुश नज़र आते हैं। रात में एंजेलिना अपने घर पर कॉल करती है। उसकी मदर कहती है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। एंजेलिना कहती है मैं 18+ हूँ और कुछ भी कर सकती हूँ। वह अपनी छोटी सिस्टर से बात करना चाहती है। उसकी छोटी सिस्टर उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसको एंजेलिना की ज़रूरत थी और एंजेलिना उसे छोड़कर चली गई। एंजेलिना को भी बहुत बुरा लगता है, वह डिस्टर्ब हो जाती है। फिर एंड्रो उसे हग करता है। फिर हम ये देखते हैं ये दोनों अलग अलग जॉब इंटरव्यू के लिए चले जाते हैं। एंजेलिना को एक बार में वेट्रेस का काम मिल जाता है। यहाँ पर उसे फ्रांसिस नाम का बंदा मिलता है जो अपने फ्रेंड के साथ आया हुआ था क्योंकि उसके फ्रेंड की शादी हो रही थी और वो बैचलर पार्टी पर आए हुए थे। इस बार में कुछ स्टीपर्स भी थी तो उसने उन्हें हायर किया। एंजेलिना जब उसके पास ड्रिंक लेकर आती है तब उसे वह बहुत पसंद आती है। वो उसे बहुत बड़ी टिप देता है। एंजेलिना को वेट्रेस की जॉब के अलावा और भी पैसों की ज़रूरत थी। वह अपने फ्रेंड से बात करती है। उसकी फ्रेंड कहती है तुम यहाँ पर एक डांसर का काम कर सकती हो। एंजेलिना को ये कम्फर्टेबल नहीं लगता है। जब वो दूसरी जॉब के बारे में बात कर रहे थे तब उसकी फ्रेंड को उसके फ़ोटोशूट के बारे में पता चला। उसकी फ्रेंड सजेस्ट करती है यहाँ पर भी बहुत सारे फ़ोटो स्टूडियो हैं जहाँ पर जाकर तुम अपनी वीडियो शूट कर सकती हो, वीडियो के लिए वह तुम्हें बहुत सारे पैसे देंगे। एंजेलिना इसके बारे में सोचने लगती है। यहीं पर फ्रांसिस अपने फ्रेंड के साथ इंजॉय कर रहा होता है तभी उसका फ्रेंड एक लड़की को छेड़ने लगता है। फ्रांसिस का दोस्त बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था इसीलिए वह उसे लेकर बाहर चला जाता है। एंजेलिना के सामने ये सब होता है और वह नहीं चाहता एंजेलिना उसे गलत समझे। फ्रांसिस उसके पास गया और उसे अपनी फ्रेंड के लिए सॉरी कहा। एंजेलिना उसे अपने फ्रेंड को संभालने के लिए कहती है। फिर हम देखते हैं दूसरी तरफ एंड्रो अपने फ्रेंड के साथ एक पार्टी में गया हुआ था। एंड्रो को ये सिटी बहुत पसंद आ रही थी। जब वो रात को एंजेलिना के पास आता है तब तो बहुत खुश था और उसे अपनी पार्टी के बारे में सब बताता है। एंजेलिना एंड्रो से कहती है तुम एक बहुत अच्छे लड़के हो और तुम्हें एक बहुत अच्छी लड़की मिलेगी और वो दुनिया की सबसे लकी लड़की होगी।
एंड्रो कहता है, शायद वह लड़की मुझे मिल गई है पर वो मुझे पहचान ही नहीं पाती। असल में एंड्रो एंजेलिना से बहुत प्यार करता था पर एंजेलिना कभी भी रियलाइज़ नहीं करती थी। फिर हम देखते हैं एंजेलिना वीडियो शूट के लिए स्टूडियो पर आती है। यहाँ पर सब कुछ प्रोफेशनल था और सारी चीज़ों को क्लियर कर दिया जा रहा था। वहाँ की असिस्टेंट एंजेलिना को सारी बातें क्लियर कर रही थी कि एंजेलिना क्या क्या करने के लिए कंफर्टेबल होगी और वही वो उसको काम देंगे। इस काम के लिए एंजेलिना को बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। और फिर एंजेलिना अपने शूट के लिए तैयार हो रही थी। यहाँ पर कुछ और लड़कियाँ होती हैं जो उसे कंफर्टेबल फील कराती हैं। वो उसे बताती है, तुम्हारा शूट मार्गरेट के साथ है और तुम्हें अच्छा लगेगा। मार्गरेट इस वीडियो शूट की डायरेक्टर थी। और फिर वीडियो शूट स्टार्ट होता है। एंजेलिना को क्या क्या करना है ये सब उसे मार्गरेट बताती है। मार्गरेट एंजेलिना की वीडियो से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। वो उसे कहती है, मुझे आगे भी तुम्हारे साथ काम करके अच्छा लगेगा। फिर हम देखते हैं एंजेलिना फिर से बार में काम कर रही होती है और फ्रांसिस उसे मिलने आता है। वो एक मैगजीन पढ़ रही थी जिसमें कुछ आर्ट है, तो फ्रांसिस इसके बारे में उससे पूछता है। वो कहता है, आर्ट एग्जीबिशन होने वाला है, तुम्हें इसे जाकर देखना चाहिए। एंजेलिना उसे भाव नहीं देती। वह पूछती है, क्या तुम्हें कोई ड्रिंक चाहिए? फ्रांसिस ने कहा, जो ड्रिंक तुम्हें अच्छा लगे वो मुझे सर्व कर दो। ड्रिंक देते वक्त वो उसकी ड्रिंक में थूक देती है और फ्रांसिस उसे पी लेता है। इस पर एंजेलिना ने हंस दिया और इसके बाद दोनों के बीच बातचीत स्टार्ट हो गई थी। अगले दिन फ्रांसिस ने एंजेलिना को डेट के लिए पूछा और वह इसके लिए एक्साइटेड थी। लेकिन एंजेलिना का एंड्रयू के साथ मूवी देखने का प्लान था, लेकिन फ्रांसिस के साथ डेट पर जाने के लिए एंड्रयू का प्लान कैंसिल कर देती है। एंड्रयू को बहुत बुरा लगता है। फ्रांसिस एंजेलिना को डेट के लिए एग्जीबिशन में ले जाता है, जिस पेंटिंग की फ़ोटो वह मैगजीन में देख रही थी। यहाँ फ्रांसिस ने एंजेलिना को उस पेंटिंग के आर्टिस्ट से मिलवाया। एक्चुअल में ये फ्रांसिस की मदर ही थी और उसकी मदर को पता था एंजेलिना क्या काम करती है। वह उसे रेस्पेक्ट नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। और फिर फ्रांसिस एंजेलिना को सॉरी कहता है। वो कहता है, मेरी मदर को मुझे कुछ भी बताना नहीं चाहिए था। एंजेलिना कहती है, तुमने जो भी किया सही किया, कम से कम तुम मुझे छुपा तो नहीं रहे। मैं जैसी हूँ उसी तरीके से तुम मुझे एक्सेप्ट कर रहे हो। इसके बाद फ्रांसिस एक प्राइवेट पेंटिंग दिखाने के लिए एंजेलिना को लेकर आता है। उसके पास कुछ ड्रग्स थे, वह उन्हें खुद भी लेता है और एंजेलिना को भी देता है। फ्रांसिस कहता है, पहले मुझे भी पेंटिंग करना अच्छा लगता था, लेकिन बाद में मेरी टीचर ने मुझसे कहा कि आर्टिस्ट बनना बहुत हार्ड है। फिर मैं वकील बन गया और मैं इस लाइफ से खुश हूँ। फिर वह दोनों ऊपर जाते हैं किस करते हुए। फिर हम देखते हैं मार्गरेट एंजेलिना की फ़ोटो देख रही थी। एक्चुअल में उसे बहुत पसंद आई थी। जब वो देख रही थी तो उसकी गर्लफ्रेंड ने ये नोटिस किया। उसका नाम था जिलियन। वो उसे कहती थी, एंजेलिना की एज बहुत कम है और इस तरीके का फ़ोटोशूट करना उसके लिए गलत है। मार्गरेट कहती थी, उसकी एज सही है। जिलियन को पता था मार्गरेट झूठ कह रही है। फिर हम देखते हैं मार्गरेट कुछ फ्रेंड के साथ बार में आती है। यहाँ पर वह एंजेलिना को देखती है और उसे बार बार देखती रहती है। उसकी ये चीज़ उसकी फ्रेंड नोटिस करती है। मार्गरेट जब घर पर आती है तब जिलियन कहती है, कल रात तुम जिस लड़की का फ़ोटोशूट देख रही थी ये तुमने नहीं किया था। उसे लगता था मार्गरेट उससे कुछ छुपा रही है। मार्गरेट कहती है, ये मेरा काम है और मुझे ये सब चीज़ें नोटिस करना पड़ती हैं। जिलियन को ये सब ठीक नहीं लगता। मार्गरेट कहती है, इतने सालों से हम रिलेशनशिप में हैं और अब तुम्हें टेंशन हो रही है। फिर हम देखते हैं मार्गरेट शूट कर रही होती है और कल रात के झगड़े की वजह से वह ठीक से शूट नहीं कर पाती। फिर हम देखते हैं एंजेलिना की मदर और सिस्टर उसे सरप्राइज़ देने के लिए उसके घर पर आए हुए थे। एंजेलिना के बारे में उसके रूममेट ने उन्हें सब कुछ बताया था पर वो क्या करती है ये नहीं बताया था। एंजेलिना आजकल फ्रांसिस को डेट कर रही थी तो इसके लिए उसकी माँ एक्साइटेड है और वो फ्रांसिस से मिलना चाहती है। वो रात को मिलने का प्लान बनाते हैं और एंजेलिना उन्हें डिनर पर लेकर जाती है, लेकिन फ्रांसिस अभी आया नहीं था। एंजेलिना उसे कॉल लगाती है पर वो काम में बिजी होता है। उसकी मदर को लगता है फ्रांसिस में कुछ गड़बड़ है। वह एंजेलिना को कहती है, तुम्हारी आंट का भी एक ऐसा ही बॉयफ्रेंड था, जब भी कोई मेन चीज़ होती थी वह नहीं आता था। वो एक ड्रग्स लेने वाला इंसान था, उसके ड्रग्स की आदत की वजह से तुम्हारी आंट की लाइफ भी ख़राब हो गई थी। एंजेलिना को ये बात सुनकर बहुत बुरा लगता है क्योंकि फ्रांसिस भी ड्रग्स करता था। एंजेलिना की सिस्टर अब भी उससे बात नहीं कर रही थी। एंजेलिना ने इसके बारे में अपनी मदर से बात की। उसकी मदर ने कहा, आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं है, पिछले 6 मंथ से उसके पेट में दर्द होता है।
हमारे पास कोई भी इंश्योरेंस नहीं है, इसलिए मैं उसे हॉस्पिटल लेकर नहीं जा सकी। एंजेलिना को ये सुनकर बुरा लगता है। वो कहती है, उसके ट्रीटमेंट में जितने भी पैसे लगेंगे मैं दूंगी, कोई भी टेंशन मत लो। उसकी मदर कहती है, मैं तुम पर प्राउड हूँ। अगले दिन फ्रांसिस आता है, वो उसे रोज़ देता है और एंजेलिना का सारा गुस्सा ठंडा हो जाता है। एंजेलिना जब घर पर आती है तब उसकी मदर जल्दी से निकल रही थी। उसकी मदर पियक्कड़ है और वो सारे पैसे शराब में उड़ा देगी। उसकी सिस्टर उसे बताती है, उसे कोई भी दर्द नहीं होता, मदर तुमसे झूठ कह रही थी। वह कहती है, तुमने जो भी किया ठीक किया, थोड़े दिन में मैं भी घर से भाग जाऊंगी। एंजेलिना अपनी सिस्टर को समझाने की कोशिश करती है, ऐसा कुछ भी मत करना। इसके बाद हम देखते हैं मार्गरेट जिलियन की ऑफिस पार्टी में उसके साथ आई हुई है। यहाँ पर जिलियन का कलीग मार्गरेट से पूछता है कि तुम क्या करती हो। इस पर जिलियन कहती है, वह न्यूड वीडियो शूट करती है। वह मार्गरेट को जलील करना चाहती थी। फिर दोनों में झगड़ा होने लगता है और घर आकर सेक्स करने लगते हैं। फिर हम देखते हैं एंड्रयू और एंजेलिना एक दूसरे के साथ पूरा दिन स्पेंड करते हैं। एंजेलिना कहती है, फ्रांसिस को मैं बहुत लाइक करती हूँ, वो आजकल सोच रही थी किसी आदमी के साथ वीडियो बनाए। एंड्रयू कहता है, ये सब उसे ठीक नहीं लगता। अगले दिन जब मार्गरेट उठती है तब जिलियन वहाँ से जा चुकी थी, उसने उसके साथ ब्रेकअप कर लिया था। फिर हम देखते हैं फ्रांसिस ड्रग्स लेने के लिए अपने ड्रग डीलर के पास जाता है, पर वहाँ पर वो नहीं था। वह इधर उधर ड्रग डीलर के बारे में पूछता है, जिस वजह से उसे पीटा जाता है। एंजेलिना ने डिसाइड कर लिया था वो एक आदमी के साथ वीडियो शूट करेगी और वो वीडियो शूट करके वापस आती है, लेकिन फ्रांसिस की आज पिटाई हुई थी इसलिए वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था और एंजेलिना को भी लेकर सारी बात सोचता है। वह उसे डायरेक्टली कहता है, जो तुम काम करती हो वो बहुत ही घटिया काम है। एंजेलिना कहती है, तुम जो भी करते हो इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। इन दोनों में झगड़ा होता है और दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं। फ्रांसिस जब उसे घर छोड़ने के लिए जा रहा था तब नशे में होने की वजह से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एंजेलिना को वहीं पर छोड़कर वो भाग जाता है, लेकिन एंजेलिना को भी ज़्यादा चोट नहीं आई थी। एंजेलिना जब घर पर आती है एंड्रयू उसकी वीडियो देख रहा होता है। ये सब देखकर एंजेलिना उस पर बहुत चिल्लाती है और अब वो उसके साथ नहीं रह सकती थी। एंड्रयू कहता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम हमेशा मुझे एक कुत्ते की तरह ट्रीट करती हो। हम एक दूसरे के साथ इतना अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं पर तुम हमेशा मुझे इग्नोर कर देती हो। और वो कहता है, पूरी दुनिया तुम्हें देख सकती है और मुझे देखना अलाउड नहीं, ऐसा क्यों। एंजेलिना कहती है, उस वीडियो में जो लड़की है वह मैं नहीं, एक्चुअल में मैं बहुत अलग हूँ। वो पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। एंड्रयू इस पर कुछ भी नहीं बोलता। एंजेलिना कहती है, अगर तुम सचमुच मुझसे प्यार करते हो तो ये सब चीज़ें नहीं देखते। और वो डिस्टर्ब होकर एक बार में आ गई और यहाँ पर मार्गरेट भी होती है और ये एक दूसरे से बात करने लगते हैं। जो कुछ भी हुआ एंजेलिना उसे बताती है। फिर मार्गरेट कहती है, जो मैं करती हूँ वो मेरे पेरेंट्स को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो काम मैं करती हूँ उससे मैं सेटिस्फाई हूँ और मुझे किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। एंजेलिना को भी ये बात सही लगी और ये बहुत सी बातों को कनेक्ट कर पाते हैं और फिर वो एक दूसरे को किस कर लेते हैं। फिर एंजेलिना मार्गरेट के साथ जाकर सेक्स कर लेती है। फिर कुछ दिन बाद हम देखते हैं ये दोनों अब रिलेशनशिप में थे और दोनों खुश थे। एंजेलिना भी अब फिल्म डायरेक्टर की जॉब कर रही थी, उसने मॉडल का काम छोड़ दिया था और अपनी लाइफ को ट्रैक पर ले आती है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।